जय हिंद। मैं मनीष सेवटा आपका दक्षिण आई क्लास में बहुत स्वागत करता हूँ। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर स्ट्रिंग वेव, और अभी तक आपने उसे 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। और 5th लेक्चर में आप वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी रिलेशन की आपने बात की, पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, पार्टिकल एक्सीलरेशन क्या, उसके बारे में चर्चा की। तो आज हम इस वाले लेक्चर के अंदर, जो कि लेक्चर नंबर 6 है, इसके अंदर बच्चों हम बात करेंगे वेव वेलोसिटी की। मतलब मान लीजिए कुछ रस्सी वस्सी गिवन होगी तो उस पर वेव वेलोसिटी क्या आएगी, हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और इसके सवाल पूछे जाते हैं ना, वेव वेलोसिटी के सवाल आ जाते हैं कई बार, और एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आएगा और उसी को हम यूज करके उसके सवाल करना सीखेंगे। तो इस वाले लेक्चर के अंदर हम वेव वेलोसिटी को ही पढ़ेंगे। आई होप आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। आप थोड़ा डिफरेंट रहेगा, थोड़ा बहुत NLM का यूज़ है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो आपको मैकेनिक्स भी दिखेगा, तो आपको मजा आएगा। आइए बच्चों, अपने सेक्चर को शुरू करते हैं। जितना वेव पढ़ा ना हमने, मान लीजिए उससे मैं आपको ये बोलूं कि एक रस्सी है, उस रस्सी में एक डिस्टर्बेंस थी, बताओ वो डिस्टर्बेंस किससे प्रोपगेट होगा, किस स्पीड से प्रोपगेट होगा, तो हम नहीं बता सकते। हमें चाहिए इक्वेशन। अभी तक आपको क्या चाहिए, आपको एक इक्वेशन चाहिए। भाई इक्वेशन पता होगा तब आप उससे बता सकते वेव की वेलोसिटी कितनी होगी। पहले बोलो भाई साहब रस्सी है, इस रस्सी में बता वेव की वेलोसिटी कितनी, तो हमें पता ही नहीं भाई साहब। हमें तो सिर्फ इतना पता है इक्वेशन पता हो तब वेव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इतना ही सीख है। अब भाई इक्वेशन कौन बताया तेरे को? ऐसा थोड़ी भाई साहब फूफा जी आएंगे वो बताएंगे भाई साहब बेटा ये इसकी इक्वेशन है। भाई इक्वेशन घंटा किसी को पता नहीं। भाई रस्सी तेरे पास है, रस्सी तेरे हाथ में, तू रस्सी खरीद के लेके आया, तू वो बस वेव जनरेट कर रहा है, तो उसकी उसकी इक्वेशन कौन बताया? कोई नहीं बताया, किसी को नहीं पता। क्या दुकान पर थोड़ी बताया वो भाई जहाँ से रस्सी लेके आया कि भाई साहब इसमें जब वेव जाएगी तो इक्वेशन, इक्वेशन नहीं पता भाई अपने को, नहीं पता इक्वेशन। पर वेव वैसे तो रिक्वायर्ड होती है। क्यों रिक्वायर्ड होती है भाई साहब? अगर मान लीजिए आपने वेव जनरेट किया तो आपको क्या दिखेगा? वेव चलती हुई दिखाई देगी, तो भाई वेव स्पीड तो चाहिए ना। मैं आपको ये बोलूँ कि वेव की काइनेटिक एनर्जी कितनी, पोटेंशियल कितनी, वो बाद की बात है भाई। नहीं दिखती जल्दी से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मुझे वेव चलती हुई दिखाई दे। सर मुझे वेव वेलोसिटी सिखाओ कि मैं वेव वेलोसिटी निकालूंगा कैसे। तो मैं बोलूँ भाई इक्वेशन, सर इक्वेशन कहाँ है भाई? इक्वेशन ही नहीं है मेरे पास। तो मैं रस्सी खरीद के लेके आया बाजार से, कहाँ से इक्वेशन ढूंढो बताओ इसकी? मुझे नहीं पता इक्वेशन है उसकी, मैं कहाँ से निकालू इक्वेशन? तो बात तो सही है यार, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भाई वेव की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो वो अभी हम निकालने जा रहे हैं। मैं आपको ये सिखाऊंगा अभी कि आप एक रस्सी में वेव की स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। एक रस्सी में अगर आप वेव जनरेट करेंगे तो उसकी स्पीड आप कैसे निकाल सकते हैं, उस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आता है और वो निकाला जा सकता है, उसमें कोई बड़ा रोल नहीं है। सेंटीमीटर फोर स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर के बराबर करके निकाला जा सकता है, पर हम उसे वहाँ पर स्किप कर रहे हैं बिकॉज मैं आपको वहाँ पर ध्यान नहीं लेकर जाना चाहता, बिकॉज उसकी जरूरत नहीं है हमें ना। तो जो एक्सप्रेशन आता है वेव वेलोसिटी का, वो आने के लिए मैं थोड़े से कुछ पैरामीटर्स आपसे पूछता हूँ, आप मुझे थोड़ा बताइएगा ना। एक हल्की रस्सी है और एक भारी रस्सी है, एक पतली रस्सी है जो हल्की है और एक मोटी रस्सी है, किस में वेव तेज जाएगा? कोई दिक्कत, जो फिजिक्स पढ़ा वेव पढ़ा मैटर नहीं करता। मान लीजिए 10वीं क्लास का बच्चा होता तभी मैं तो पूछता भाई जब दो रस्सियां हैं, एक छोटी पतली रस्सी है एक मोटी रस्सी है, तो किस में वेव तेज जाएगी? समझ में आता है, वैसे पतली में तेज जाएगी तो समझ में आता है। मतलब पतली रस्सी होगा मतलब उसमें क्या होगा, उसका मास कम होगा, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ टर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर, वो दिखाऊंगा मैं आपको। फिर आप पूछो यार एक रस्सी को टाइटली खींचा गया, एक रस्सी को टाइटली नहीं खींचा गया, एक को ज्यादा टाइटली खींचा गया, एक को थोड़ा कम टाइटली खींचा गया। मत टेंशन, रस्सी में टाइटली खींचना कम टाइटली खींचना मत टेंशन बोलता है फिजिक्स, फिजिक्स में आप उस वर्ड को टेंशन बोलते हैं। तो अगर टेंशन आपके पास में ज्यादा होगा तो ज्यादा तेज जाएगा कि धीरे जाएगा? जब ज्यादा तेज जाएगा, सीधी सी बात है, रस्सी ज्यादा खींची हुई होगी तो तेज जाएगी वेलोसिटी, इतना फील आता है आपको, बिकॉज आपने देखा है लाइफ में ना ये सब चीजें। तो जो एक्सप्रेशन जो हमें जो समझ में आया वैसा ही एक्सप्रेशन आता है, जो चीजें दोनों हमने समझी है बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है आपके सामने, ढंग से देखना भाई, बहुत काम का फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट टी बाय म्यू, ये है वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी ऑफ वेव, जो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है, पार्टिकल वेलोसिटी हम कर चुके हैं, वो सब बेटर नहीं है, हम वेव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जिस स्पीड से वेव ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज रूट टी बाय म्यू। टी क्या है आपके पास? टी है टेंशन इन, टेंशन इन स्ट्रिंग। अगर आप रस्सी में टेंशन बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। म्यू क्या है? ढंग से देखना, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। समझ में आ गया? म्यू कैसे लिखेंगे? मास निकाल दो डिवाइड बाय लेंथ कर दो, तो मास पर लेंथ हो जाएगा म्यू। क्लियर? ये टर्म इंपॉर्टेंट है म्यू। तो क्या फॉर्मूला आया दिमाग में सेट कर, फॉर्मूला दैट इज वी इज इक्वल टू रूट टी बाय म्यू आया। टी वहां पे टेंशन है, म्यू क्या आपके पास मास पर यूनिट लेंथ है। चमक गया? कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, बहुत बढ़िया। अब ये जो आपके पास वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। यहाँ पे जो वी है, खतरा करके मेंशन कर लेते हैं इस बात को, फंसना नहीं है। ये वी कौन से फ्रेम में मिलेगा? स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में मिलेगा आपको। अब जैसे मान लीजिए एक रस्सी में वेव जा रही है, अब आप चल पड़े भाई साहब एरोप्लेन लेके, ऐसा नहीं है एरोप्लेन कहाँ, साइकिल लेके चल पड़ा,
अपनी लेवल पे आ जाते हैं। अब साइकिल देखे चल चल पड़े, अब भाई साहब साइकिल पे चलेंगे तो वेव की स्पीड अलग दिखाई देगी। तो ये जो फॉर्मूले से स्पीड आएगी वो कौन सी स्पीड है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। तो यहां पे वी क्या है? वी इज वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू आई होप इतनी हवा लगी होगी यार इसमें, तो कोई उलझन वाली बात नहीं है, समझ में आ गई बात। अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट हो जाएगी ऊपर केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे टेंशन आपके इसमें न्यूटन में, सब ऐसे यूनिट में पुट करना ना, ऐसे यूनिट के साथ छेड़छाड़ मत करना, ऐसे यूनिट में पुट करना। अब देखिए यार, अगर मान ले टेंशन तेरे पास यूनिफॉर्म है, एक स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग है उसमें टेंशन यूनिफॉर्म है, तो स्पीड भी क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। मैं बोलूं इफ टेंशन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब रस्सी के हर एक पॉइंट में टेंशन सेम है, टेंशन इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रिंग इज यूनिफॉर्म, एंड स्ट्रिंग इज यूनिफॉर्म। अगर आप इंग्लिश के वर्ड बताना चाहते हैं ऐसे लिखिए, इफ टेंशन एंड स्ट्रिंग आर यूनिफॉर्म, टेंशन भी यूनिफॉर्म है, स्ट्रिंग भी यूनिफॉर्म है। मतलब स्ट्रिंग यूनिफॉर्म होने का मतलब यह है कि हर एक सेगमेंट का जो मास पर स्ट्रेंथ है वो सेम है। जैसे ये मार्कर है आपके पास में, इसके इतने से लेंथ में जितना मास है उतने इतने में, उतने इतने में, मतलब अगर एक यूनिफॉर्म आपके पास में स्ट्रिंग है तो आप उसमें से कोई भी एक मीटर पार्ट काटेंगे तो उसका मास सेम आएगा आपके, यूनिफॉर्म समझ रहे हैं ना, वेरिएशन ना, कोई भी छोटे छोटे एलिमेंट आप काटें हर एक का मास सेम रहना चाहिए, पर रस्सी का जो डेंसिटी है जो आपके पास है मास पर यूनिट लेंथ है वो बदले ना। तो अगर आपके पास में टेंशन और स्ट्रिंग यूनिफॉर्म है दोनों अगर आपके पास में है तो क्या होगा? आपके पास में ये वाली वैल्यू जो है टी भी फिक्स रहेगा, म्यू भी फिक्स रहेगा, तो वेलोसिटी क्या आएगी आपके पास? वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। पर मान लीजिए अगर आपके पास में ये है, वैसे तो यूनिफॉर्म बोल देते हैं बिकॉज वो पोजीशन के हिसाब से सेम रह रही है ना, यूनिफॉर्म कांस्टेंट का मतलब टाइम के साथ में ना, हम बात करें पोजीशन के रिस्पेक्ट में। जैसे रस्सी है आपके पास में, इस रस्सी की यहां पे भी टेंशन जितनी थी उतनी यहां पे, उतनी यहां पे, उतनी यहां पे, हर एक पॉइंट पे टेंशन टी है, मास पर यूनिट भी हर एक पॉइंट पे सेम है, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वही यहां पे है, वही यहां पे, वही यहां पे, मतलब पूरी रस्सी में वेव सेम स्पीड से मूव कर रही है। पर मान लीजिए जो एक्चुअल रस्सियां होती है उसको खुद का मास होता है ना, और जब खुद का मास होता है तो हर एक पॉइंट पे मास जो टेंशन है वो बदल सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल, देखिए अगर हम बोलते हैं इफ टेंशन इज नॉन यूनिफॉर्म, टेंशन यूनिफॉर्म नहीं है भाई साहब, टेंशन आपके से नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वेलोसिटी क्या होगा? रूट टी बाय म्यू। तो यहां पे जो टी पुट करना होगा वो हर एक पॉइंट पे टी डिफरेंट डिफरेंट है, तो हर एक पॉइंट पे स्पीड भी क्या आएगा? डिफरेंट डिफरेंट आएगा हर एक पोजीशन पे, यहां पे वेव की स्पीड यहां अलग आएगी, यहां पे अलग आएगी, यहां पे अलग आएगी, तो हर एक पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपने रस्सी में वेव वेव चलाया तो पहले धीरे चल रही थी, फिर तेज 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 होता जा रहा है, ऐसे स्पीड हर एक बदलती रहेगी। पर अगर ये पहले वाला केस था तो एक बार आपने वेव जनरेट की तो पूरी रस्सी में वो वेव सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो अगर ऐसा होगा तो आपके पास में टेंशन विल वेरी, तो वेलोसिटी भी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ स्ट्रिंग। अब सर हम कैसे निकालेंगे फिर उस वाले केस में? तो जिस वाले पॉइंट पे आपको वेव वेलोसिटी निकालना है तो उस पॉइंट पे पहले टेंशन निकालिए ना, फिर डिवाइड बाय म्यू कीजिए, तो हर एक पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट डिफरेंट होगा तो हर एक पॉइंट वी की वैल्यू अलग अलग होगी, तो हर एक पॉइंट में वी अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा। तो जिस पॉइंट पे निकालना हो उस पॉइंट का टेंशन निकालिए, जिस पॉइंट पे वेव की स्पीड निकालनी है उस पॉइंट पे टेंशन निकाल लीजिए, समझ में आ गया? जिस पॉइंट पे वेव की स्पीड निकालनी है, जिस पॉइंट पे वेव की स्पीड निकालनी है उस पॉइंट पे टेंशन निकाला जाएगा यहाँ पे, और उसी जो जैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं तो इसके पास वाला इसका मास पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। यहाँ पे जो रस्सी है आपके पास, जैसे इस वाले पॉइंट पे वेव स्पीड निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे पहले टेंशन पूछूंगा, फिर देखूंगा अच्छा इस वाले रीजन में मास पर स्ट्रेंथ कितना है, तो जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वहां की टी और म्यू की वैल्यू पुट करनी है। चमक की बात कोई दिक्कत नहीं है, छाप ये अपने को सवाल करते हैं उससे आपको आइडिया रहेगा भाई किस तरह का सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा उसके बेसिस पे एक सवाल दिया गया, पहले अपने मैं सवाल नहीं करवा ना, पहले आप खुद करिए, फिर मैं आपसे कुछ कुछ बात करके फिर सवाल को सॉल्व करेंगे, पहले आप खुद करके देखिए एक बार। हाँ भी हुआ ठीक है। अब मुझे यदि अजीब लग रहा है थोड़ा सा ना, ये मास ऑफ स्ट्रिंग ग्राम में क्यों क्यों गिवन है? Why mass of string is in gram? पहले तो सबसे पहले सवाल ये आता है, Why mass of string
मास्टर क्या मनाया यार, मतलब मास्टर तो वैसे ना वैसे केजी केजी लिखता है, मास्टर क्या दिमाग में आया ग्राम में लिख के दे रहा है, वो भी 20 ग्राम, थोड़ा सा 20 ग्राम बहुत हल्की सी होती है, इतनी हल्की तो स्ट्रिंग मिलती भी नहीं है मार्केट में, मैं समझ में आ रही है बात, 20 ग्राम तो वो थोड़ा सा होता है, मतलब बिल्कुल पतला सा धागा आपके पास में होगा शायद, तो ये 20 ग्राम क्यों दे रहा है, केजी वेजी में क्यों नहीं दे रहा है मास्टर, क्या दिक्कत है मास्टर, मास्टर क्या चाहता है? इसका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब आपके दिमाग को खोलने में हेल्प करेगा। देख यार तुझे पता है कि अगर तूने मतलब सबसे पहले तू क्या चाहेगा, तू चाहेगा कि इस रस्सी में हर एक पर पोटेंशियल बदले या ना बदले, हम चाहते भी नहीं बदले, बिकॉज अगर आपसे पूछे वेलोसिटी स्ट्रिंग मतलब हर एक पॉइंट किसी पॉइंट पे पूछ सकता है वो, तो हर एक पॉइंट पे सेम रह रहा होगा तभी तो पूछ रहा है वेलोसिटी स्ट्रिंग, अगर हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी बदल रहा होता तो ऑब्वियसली वो गिवन करता भी इस वाले पॉइंट पे बताओ इस वाले पॉइंट पे बताओ, बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको सवाल में ये बोला गया कि भाई हम चाहते हैं कि इसका मतलब ये होगा वेव के मतलब रस्सी के अंदर जो आपके पास में टेंशन है या फिर वेव वेलोसिटी वो सेम रहनी है, इसका मतलब यही है ना, तभी तो पूछ रही है भाई साहब कि स्ट्रिंग के अंदर वेव वेलोसिटी कितनी है, हर एक पॉइंट वेव वेलोसिटी है वो सेम हो रही होगी तभी तो उसने एक साथ पूछ लिया, अगर हर एक पॉइंट पे वेव वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती तो प्यारे बच्चों आपको देता है भाई साहब इस वाले पॉइंट पे यहाँ से 0.5 मीटर दूरी पे 0.2 मीटर की दूरी पे, ऐसा नहीं दिया उसने, उसने सिर्फ बोला वेव वेलोसिटी होता, मतलब रस्सी वो चाहता क्या है, वो चाहता कि रस्सी के हर एक पॉइंट में वेव्स की वेलोसिटी सेम हो, अगर रस्सी के हर एक पॉइंट में वेव की वेलोसिटी सेम रखना है तो किसको नहीं बदलना है, तो मैंने बोला है वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे पास जो आया है जो हमने अभी भी सीखा है दैट इज अंडर रूट टी बाय म्यू, तो रस्सी तो यूनिफॉर्म है, रस्सी तो यूनिफॉर्म है तो म्यू तो सेम रहेगा, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, वो सेम रहेगा, टेंशन बदलना नहीं चाहिए। अब सोच के देखिए अगर ये रस्सी मास वाली होती, अगर जैसे इस रस्सी का मास होता, अब आप सोचिए कभी आप एक रस्सी को जैसे मान लीजिए आप NLM याद कीजिए, मैं आपको बोला एक रस्सी में टेंशन ना बदले उसके लिए क्या कंडीशन होती है, उसके लिए कंडीशन होती है कि रस्सी मासलेस हो, तब क्या बोलते हैं सर यहाँ पे जो टेंशन है वही टेंशन यहाँ पे है, वही टेंशन यहाँ पे है, वही टेंशन यहाँ पे, टेंशन बदल रहा नहीं है, अगर रस्सी मासलेस होती है तो हम क्या बोलते हैं, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी सेम, तो मैं बोलूं इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, इफ स्ट्रिंग इज मासलेस देन टेंशन इन स्ट्रिंग रिमेन्स सेम, टेंशन इन स्ट्रिंग रिमेन्स सेम, ऐसा पता है आप, ये देखा था आपने एनएलएम के अंदर, जब रस्सी का मास नहीं हुआ करता था आप रस्सी में टेंशन सेम माना करते थे, क्यों मानते थे, बिकॉज यहाँ पे अगर आप इतने पार्ट का एफबीडी बनाते, रस्सी कितने से पार्ट का एफबीडी बनाते, ऊपर की तरफ मान लीजिए टी डैश लगता है, यहाँ पे नीचे तरफ टी लगता है, तो इसका मास ही नहीं है, तो आप क्या बोलते टी डैश इज इक्वल टू टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, तो इसका मास भी आपके पास में क्या रहता है, जीरो रहता है, तो मास जीरो रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, टी और टी डैश बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप इतने से पार्ट का एफबीडी बनाएंगे, चाहे छोटे से पार्ट उठा लिया मैंने, नीचे की तरफ टी लग रहा है ऊपर की तरफ टी डैश लग रहा है, और इसका मास अगर कुछ डीएम होता मान लीजिए, इसका मास कुछ डीएम, नीचे की तरफ क्या लगता है डीएमजी, तो आप क्या लिख रहे टी डैश इज इक्वल टू टी प्लस डीएमजी, तो अगर ये डीएम ही नहीं रहेगा आपके पास तो टेंशन बराबर आएगी, तो हमें ये पता होता है कि अगर रस्सी मासलेस होती है तो उसमें टेंशन सेम आता है, पर दिक्कत यह है कि अगर आप रस्सी को मासलेस कर देंगे तो मास पर म्यू क्या है, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, अगर मास जीरो हो जाएगा तो म्यू जीरो हो जाएगा, फिर तो वेलोसिटी इनफिनिट हो जाएगी, नहीं समझ में। अगर आपने रस्सी का मास दिया, हम मैं पे दिक्कत ले लेकर हूं, क्या दिक्कत है देखिए, दिक्कत क्या आ रही है, इफ स्ट्रिंग विल हैव मास, इफ स्ट्रिंग विल हैव मास तो क्या होगा, टेंशन विल बी डिफरेंट, टेंशन विल बी डिफरेंट इन स्ट्रिंग, अगर आपने रस्सी का मास दिया तो टेंशन अगर डिफरेंट होगा मतलब मास नहीं देना है, पर अगर आपने और दो दिक्कत क्या है, इफ मास विल बी जीरो, इफ मास ऑफ स्ट्रिंग विल बी जीरो, इफ मास ऑफ स्ट्रिंग कितना आपके पास जीरो, तो म्यू क्या होता है, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो ये म्यू भी जीरो बन जाएगा, और म्यू जीरो बन जाएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इनफिनिट हो जाएगी, तो दिक्कत समझ में आ रही है, तो हम ये भी मतलब अगर मास होता है तो दिक्कत यह वैसे टेंशन बदल जाता है, और अगर मास नहीं होता तो दिक्कत यह कि वेलोसिटी इनफिनिट हो जाती है, तो इन दोनों का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो रस्सी का मास है वो ग्राम में ले लेते हैं, अब रस्सी का मास इतना कम ले लिया कि इससे यहां पे यहां पे यहां पे टेंशन में कोई फर्क आएगा नहीं, अगर रस्सी का मास अगर केजी में हो जाता तो आप बोलते सर यहां पे लगाया, यहां पे ग्राम में है, सोच के देख यहां पे होगा बस 100 न्यूटन, तो यहां पे कितना हुआ 100 न्यूटन प्लस 20 ग्राम के कोरस्पोंडिंग जो टेंशन आ रहा है वो तो बहुत ही कम है ना, अगर आप इस वाले केस में देखेंगे तो यहां पे टेंशन कितना आएगा आपके पास, यहां पे टेंशन आएगा 100 न्यूटन, और अगर आप पूछो यहाँ पे कितना आएगा तो यहाँ पे टेंशन आएगा, टोटल मास कितना होगा 10 केजी प्लस इसका 20 ग्राम, तो कितना आया आपके पास, ये देखिए 10
0.02 जी, तो यहां पे टेंशन कितना है 10 पॉइंट, दिस इज 100.2। तो यार फर्क नहीं पड़ा ना, यहाँ पे 100 न्यूटन, यहाँ पे 100.2, तो आप मान सकते हैं कि पूरी रस्सी में टेंशन सेम रहा होगा। बात का कंक्लूजन समझ पा रहे हैं आप? अगर आप रस्सी का मास लेते हैं तो दिक्कत ये आ जाता है कि भाई हर एक पर टेंशन बदल जाता है, और अगर आप मास नहीं लेंगे तो म्यू की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो फिर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो दोनों से बचने के लिए हम जो रस्सी का मास लेते हैं बहुत कम लेते हैं। इस बहुत कम लेने से क्या होता है, टेंशन इस वाले पॉइंट पे इस वाले पॉइंट पे ज्यादा वैरी करती नहीं है। बिकॉज यहाँ पे आना है आपके पास में 10 × g, दैट इज 100 न्यूटन, यहाँ पे कितना है 10 kg, प्लस इसको kg में करोगे कट करेंगे, दैट विल बी 0.02, तो दैट बनेगा वहां पे 10.02 g। तो यहाँ पे टेंशन अप्रोक्सीमेट सेम है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो इस बात का जवाब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आया? अगर हम रस्सी का मास लेते हैं तो हर एक पॉइंट टेंशन बदल जाता है, वो भी दिक्कत है। और अगर हम रस्सी का मास नहीं लेते हैं तो हमारे पास दिक्कत क्या होता है कि वेलोसिटी है वो इन्फाइनाइट हो जाएगी, बिकॉज म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इन दोनों से बचने के लिए हम रस्सी का मास तो लेते हैं पर बहुत कम लेते हैं, जब हम वेलोसिटी को सेम रखना चाहते हैं। अगर हम मास दे देंगे रस्सी का, कुछ ज़्यादा मास दे देंगे, जैसे इसका 10 kg है, इसका 2 kg दे देता, तो हर एक पॉइंट वेलोसिटी क्या आता आपका डिफरेंट आता। तो अभी हम एज्यूम कर सकते हैं इस वाले सवाल में, अगर आप देखेंगे, बात समझ में आ गई ना आपको इसकी? तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस वाले केस में, इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये 20 ग्राम है, 1 मीटर है, याद रख लेंगे अपने। अब देखिए तो यहाँ पे मैं टेंशन पूछूँ तो टेंशन कितना है आपके पास 100 न्यूटन, और ये सेम है, अप्रोक्सीमेटली सेम, अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म, टेंशन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे 100 मान सकते हैं, बिकॉज बहुत थोड़ा सा वेरिएशन है। अगर आप यू देखेंगे मास पर यूनिट लेंथ, देख 20 ग्राम डिवाइड बाय लेंथ कितनी थी आपके पास, 1 मीटर ऐसे था आपके पास, तो 20 ग्राम हमें ग्राम में नहीं चाहिए, हमें ऐसे यूनिट में चाहिए, तो इसको लिख दीजिए 20 / 1000। क्लियर? तो ये आ गया आपके पास 1/50 kg/m। क्लियर? अब आप वेलोसिटी निकाल दीजिए, अंडर रूट टी, टी की वैल्यू कितनी है 100, म्यू की वैल्यू पुट कर दो 1/50। समझ में आ गई बात आपको? तो कितना बन गया आपके पास, दैट इज रूट 50, 10√50 ना, 10√50। इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे बन जाएगा ये 5 बाहर आ जाएगा ना, 50√2 m/s। इसमें ये सवाल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि रस्सी का मास ग्राम में क्यों दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि वेव वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, तो अगर मास ज़्यादा दे देंगे तो टेंशन बदल जाएगा, तो वेव वेलोसिटी बदल जाएगा। और अगर हम टेंशन देंगे नहीं, मतलब हम रस्सी का मास ही नहीं देंगे, तब दिक्कत ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो मास आएगा ये जीरो बन जाएगा, तो म्यू की वैल्यू जीरो बन जाएगी। तो जब आप √T/μ लिखेंगे यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू जीरो होगी, तो वेलोसिटी इन्फिनिट बन जाएगी। इसलिए जब आप ये चाहे सवाल में, जैसे हम मास्टर हैं, हमें सवाल को फॉर्म करना होता है, जब हम सवाल बनाते हैं तब हम ये ध्यान रखते हैं कि अगर हमें वेव वेलोसिटी कांस्टेंट रखना है तो रस्सी का मास इस वाले मास के कंपैरिजन में बहुत कम रखा जाए। क्लियर? ठीक है, आप इतना छापिए, फिर अपने और सवाल करते हैं, और ये कहानी आपको लिखनी है ना अपनी भाषा के अंदर कि मास ग्राम में क्यों लिखा हुआ था। ठीक है, छाप लीजिए। सवाल आपके सामने है, अगेन आपके पास में एक स्ट्रिंग है और उसको एक 5 kg मास वहाँ पे हैंग किया हुआ है। आपको रस्सी का मास भी गिवन है और रस्सी की लेंथ भी गिवन है, और आपसे पूछा गया सबसे पहले वेव वेलोसिटी कितनी है वो बताइए, फिर ये बताइए टाइम कितने टाइम के अंदर ये वेव बॉटम से टॉप पे चली जाएगी, और टाइम टेकिंग पूछा है आपसे ना, करके बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। सिंपल सा सवाल है ना, बेसिक फॉर्मूला बेस आपसे होना चाहिए। अभी हुआ तो अपने एक्सप्रेशन पता है जो वेलोसिटी आता है, दैट इज अंडर रूट टी बाय म्यू। अब देखिए रस्सी का मास बहुत ज्यादा है, इस मास से कंपैरिजन में कम है, बहुत कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे टेंशन अगर 50 न्यूटन है तो हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन एज्यूम दैट टेंशन इन स्ट्रिंग इज यूनिफॉर्म, बिकॉज जो वेरिएशन है टेंशन वो बहुत ही कम है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टेंशन है 50, तो यहाँ पे टेंशन कितना होगा, इस वाले पॉइंट टेंशन दैट इज 5, इसको केजी में कन्वर्ट करो तो दैट विल बिकम 0.01 g। सही है, इसको 1000 डिवाइड कर ऐसे ही बनेगा। तो आप इसकी वैल्यू देख रहे हैं, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 50 + 0.1, तो ऊपर 50.1 न्यूटन है। अब आपको बोल रहे नीचे है 50 न्यूटन, ऊपर है 50.1 न्यूटन, तो आप बोले से पूरे में सेम ही मान लो, कोई वेरिएशन ही नहीं है, इसी वजह से हम मास ग्राम में देते हैं। तो आपके पास में हम टेंशन सेम मान लिया, टेंशन कितनी होगी आपके पास, दैट विल बी 50 न्यूटन mg के बराबर।
अब म्यू कितना होगा, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना है, मास कितना है आपके पास 10 ग्राम और डिवाइड बाय लेंथ कितनी होगी आपके पास 2 मीटर, तो ये आ गया आपका 10 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे साफ हो गया इज 1/200, ऐसा आ गया एक्सप्रेशन आपके पास। अब वेलोसिटी देखते थे, वेलोसिटी आ गया √T/μ, तो टेंशन बन गया 50, म्यू की वैल्यू पुट कर दो 1/200, सही, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन कितना आ गया 5000 मल्टीप्लाई टू, तो कितना आ गया आपके पास अंडर रूट 10, 1, 2, 3, तो ये कितना आ गया 100 मीटर पर सेकेंड, सही 100 मीटर पर सेकेंड। तो बात बन गई यार, अभी टाइम पूछे तो टाइम कितना लगेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना है बताइए वेव को, वेव को नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर कितनी डिस्टेंस है आपके पास, डिस्टेंस 2 मीटर, किस स्पीड से जाना है 100 मीटर पर सेकेंड से, तो टाइम कितना लगेगा 2 मीटर डिवाइड बाय 100, तो कितना आएगा 1/50 सेकेंड। आसान था, घटिया सवाल, सिंपल सवाल होना चाहिए, ठीक है, छाप लीजिए। बच्चों सवाल आपके सामने है और इसमें यहाँ पे दो रस्सियाँ ना, एक ये वाली स्ट्रिंग है, एक ये वाली स्ट्रिंग है, दोनों रस्सियाँ आपके पास में आइडियल है, बोथ स्ट्रिंग्स आर, मतलब दोनों सेम स्ट्रिंग्स है ना, बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम, बोथ स्ट्रिंग्स आर सेम, दोनों में जो स्ट्रिंग है आपके पास में वो सेम है, और नीचे काम करो सेम नहीं मानते ना, इसमें ऐसे मान लो कि इसकी जो मास पर लेंथ है वो कुछ म्यू है, इसकी मास पर लेंथ कुछ 2 म्यू है, ऐसा कुछ है, और ये जो म्यू है मतलब मास जो रस्सी होगा वो कम है इसका पूरे 10 kg, मतलब आप मान सकते हैं पूरी रस्सी में टेंशन सेम है, ऐसा मान सकते हैं। आपसे पूछा गया कि इसमें जो वेव वेलोसिटी है वो कुछ v1 है, इसमें कुछ वेव वेलोसिटी कुछ v2 है, तो आपसे क्या पूछा गया कि इनका रेशियो बताना है वेव वेलोसिटी का आपको, v1/v2 कितना है ये आप बताइए मुझे निकाल के, v1/v2 कितना है वो आपको निकाल के बताना है, करिए इसको कितना है, सिंपल सवाल है यार, अगर आपको NLM आपने ठीक ठाक पढ़ा है तो बहुत ही हलवा सवाल है, और नीट ऐसे ही पूछता है, नीट टफ नहीं पूछता, नीट सिंपल सवाल ही पूछता है, हाँ भी हुआ, तो मैं थोड़ा करता हूं ना, तो मैं बोलता हूं इसमें रस्सी में कोई टेंशन T1 मान लेता हूं, इसमें जो टेंशन है वो T1 है, इसमें कोई टेंशन T2 मान लेता हूं, अब T1 बताइए किसके बराबर होगा, T1 किसके बराबर होगा, आप 10 केजी का FBD बनाएंगे, 10 केजी का FBD बनाएंगे, T1 कितना आएगा आपके पास में, बना देता हूँ ये, तो वैसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं पर मैं मास्टर हूँ तो मुझे बेसिक से भी कुछ दिखाना पड़ता है एक बच्चे को मान के, पर वैसे आप देखें डायरेक्टली सीधा कर सकते हैं, टेंशन दिख रहा है 100 न्यूटन आएगा इसमें, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक्सेलरेशन इसका 0 है क्योंकि चल तो रहा ही नहीं है, तो T1 किसके बराबर आएगा आपके पास 100 न्यूटन, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया T1 इज 100 न्यूटन। अब अगर आप इसमें T2 चेक करें, T2 कितना आएगा, तो उसके 20 kg का FBD बनाया, 20 kg में ऊपर की तरफ अगर आपके पास में T2, नीचे की तरफ अगर है T1, और इस तरफ अगर आपके पास में 200, सॉरी ये हाँ इसका MG आ गया ना, ये 200 क्लियर, इसका FBD बनाया तो ऊपर T2, नीचे T1, और एक इसका MG, तो यहाँ से अगर आप देखें T1 की वैल्यू आपके पास में 100 है, तो T2 किसके बराबर आएगा आपके पास, T1 प्लस 200, T1 की वैल्यू पुट कर दी, T2 आ गया 300 मीटर आ गया। अब हमें रेशो निकालना है v1/v2, तो v1/v2 किसके बराबर होगा, इट इज अंडर रूट T1/μ1 डिवाइड बाय अंडर रूट T2/μ2, अरे क्लियर, अब वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, देखते हैं, तो यहाँ पे देखा तो ये बन गया अंडर रूट T1 की जगह आ गया 100, μ1 कितना है इसमें, म्यू है, ठीक, और इसको देखेंगे डिवाइड करके, ऐसे डिवाइड कर लो, ये तो T2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 300, और यहाँ पे म्यू कितना आ गया आपके पास 2 μ, तो इस म्यू ने इस म्यू को उड़ा दिया, यहाँ पे आ गया 150, तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास 100 डिवाइड बाय 150, इसने इसको उड़ा दिया, तो ये एक्सप्रेशन जो आया v1/v2 का वो आ गया √2/3, ये आंसर हो गया। तो अगर आपको जैसे इसमें हमने NLM का यूज कर लिया, फिजिक्स में ऐसा होता है आपको वो चैप्टर का यूज कहीं पे कर सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल यूज किया यार, इसमें कुछ है टफ नहीं किया, बहुत सिंपल सा यूज किया, आपको टेंशन निकालना आना चाहिए, टेंशन निकालना आना चाहिए, म्यू आपको गिवन था, इसलिए सवाल को कर सकते थे, ठीक है, छाप लीजिए। अगेन हमने इस वाले चैप्टर के NLM को इन्वॉल्व कर लिया थोड़ा, तो हमने पुली वाला आपने एटवुड मशीन देखा होगा, तो वही है आपके पास में, दो ब्लॉक्स है, एक का मास है 2 kg 3 kg और एटवुड मशीन लगा हुआ है, मास ऑफ स्ट्रिंग गिवन है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन है, आपसे पूछा गया कि इस स्ट्रिंग में वेव की वेलोसिटी कितनी होगी, करके बताइए।
ठीक है बच्चों, तो मैं इसे कर रहा हूँ ना, आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए क्योंकि अभी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, टाइम टेकिंग है थोड़ा। तो मैंने क्या बोला, 3 kg का FBD बनाया मैंने, 3 kg का FBD बनाऊंगा तो इस पर टेंशन रहेगा, ऊपर की तरफ लगा दिया, इस रस्सी में टेंशन टी तो इसमें भी टी, क्लियर। और ये आइडिया है ना, पूरी स्ट्रिप नहीं करी, सबके आइडिया है, बस स्ट्रिंग का मास बहुत थोड़ा सा है तो आप इसे मास्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, टेंशन पूरे में सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा, बस मास पे ब्रेंथ कुछ ना कुछ आपके पास आएगा। नीचे तरफ कितना है, 30 न्यूटन लग रहा है आपके पास, MG 30 न्यूटन। किस तरफ जाएगी ये अगर आप देखेंगे तो ये भारी है, ये हल्का, ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, टेस्ट नीचे आएगा, ये एक्सेलरेशन से। सिमिलरली अगर आप 2 kg का बनाएंगे तो उसके ऊपर तरफ टेंशन टी लग रहा है, नीचे तरफ से 20, ये किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा ये एक्सेलरेशन से, क्योंकि ये भारी है तो नीचे आएगा आपके पास और ये से ऊपर जाएगा। तो FBD में एक्सेलरेशन दिखा दिए, सब दिख दी। अब इसकी इक्वेशन लिखता हूँ मैं, इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा, 30 - t = 3। इसकी इक्वेशन लिखे चलते हैं भाई, इसकी इक्वेशन बनेगी मेरे पास t - 20 = 2a। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। मुझे क्या चाहिए, मुझे किस में इंटरेस्ट है, मुझे एक्सेलरेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे टेंशन चाहिए, क्योंकि जब तक टेंशन नहीं आएगा तब तक वेव वेलोसिटी नहीं आएगी। और अगर आपको टेंशन चाहिए तो एक्सेलरेशन को उड़ाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन उड़ाने के लिए क्या करते हैं हम, इस वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो बन गया 60 - 2t = 6, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे +3t - 60 सही = 6a। यहाँ पे माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, इसने इसको उड़ा दिया, तो यहाँ पे 120 = 5t। तो t आपके पास में जो आ रहा है ये टेंशन आ गया आपके पास, यहां तक हो गया था भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यार ये टेंशन आ गया आपके पास, तो वेलोसिटी में कुछ बता ही नहीं, वेलोसिटी होता है इसमें √t/μ, और डायरेक्टली पुट कर देगा ना यहां पे, देखिए t की वैल्यू 24, μ की वैल्यू यहीं पे रखेंगे, पहले नहीं कन्वर्ट कर रहे, पहले यहीं पे रख लेते हैं, पर यूनियन μ पहले निकाले फिर पुट करें, यहीं पे रख लो ना μ। तो मास कितना आ गया, 20 ग्राम है, इसको kg में पुट कर दो, और ये लेंथ हो गया 5। ये बात खतरा करके मेंशन कर लीजिएगा, ये म्यू किसमें पुट करना है, kg per meter में ना, मास पर मीटर लेंथ अगर आपको देख रहे हैं तो। इस जीरो ने इसको उड़ा दिया यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना बन गया, दिस इज बिकम √24 × 500/2, तो ये आपके पास आ गया 12, आ गया √, ऐसा कुछ आ रहा है आपके पास। इसको सोल्व करें तो कितना बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन गया, 100 का तो आ जाएगा 10, और ये 60 है जिसको 15 × 4 कर, दिस विल बिकम 215, ये आ गया 20 √15 मीटर/सेकंड, क्लियर। ये वेव वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है, छाप लीजिए। एक छोटे से ऑब्जर्वेशन के लिए आपको सवाल दिया गया है, ये यहाँ पे ऐसे एक लिफ्ट है ना, ये ऐसे एक लिफ्ट है, और ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, किस स्पीड से, 5 मीटर/सेकंड से, इसको तेज करते थोड़ा ना, डायरेक्ट 10 मीटर/सेकंड, ये लिफ्ट चले 10 मीटर/सेकंड। यहाँ पे दो बंदे हैं, दो भाई मान लो, कुछ भी नाम रखो खुद, इसका मुत्तु स्वामी चिन्ना स्वामी अय्यर, इसका मुत्तु स्वामी दंड साई पाई, कुछ भी रख दो यार, इसका नाम कुछ भी नाम है मान लो, इसका नाम ए मान लेते हैं, इसका नाम कुछ भी है, क्लियर। अब ये सवाल ये है, ये एक थोड़ा गिर गया ना, इग्नोर करना। अब सवाल ये है कि भाई साहब अगर ये ए ऑब्जर्व करेगा तो ए के रिस्पेक्ट में वेव वेलोसिटी कितनी है, बी के रिस्पेक्ट में वेव की वेलोसिटी कितनी है, आपको बताना है। तो सवाल क्या है, फाइंड वेव वेलोसिटी, फाइंड वेव वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ए, सबसे पहले वाले में, सेकंड वाले में है फाइंड वेव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बहुत आसान सवाल है, आपसे होना चाहिए, सिंपल सवाल दिया गया है, करके बताइए कितना कितना रहा है। किया जाए
तो मैं बोलूँ तो रस्से में जो टेंशन है वो टेंशन तो रहेगा 20 न्यूटन, टेंशन में कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज एक्सीलरेशन नहीं है, देखिए सिर्फ वेलोसिटी है। तो अगर आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो इतना टेंशन लगेगा नहीं, जितना 20 जाएगा। तो आप कह रहे हैं टी माइनस 20 इज इक्वल टू एम ए, तो एक्सीलरेशन जीरो है इसका। अगर एक्सीलरेशन होता तब टेंशन एम जी के बराबर नहीं आता, अभी एक्सीलरेशन नहीं है सिर्फ वेलोसिटी है तो कोई सूडो फोर्स नहीं रहेगा। चाहे आप ग्राउंड फ्रेम में इक्वेशन लिख लीजिए, वहां पर भी आप ये लिखेंगे टी माइनस 20 इज इक्वल टू एम ए, और इसकी वैल्यू कितनी, आपके पास ए की वैल्यू जीरो है, तो टी किसके बराबर आएगा 20 न्यूटन। आगे अब मैं वेलोसिटी निकाला, ये वेलोसिटी कितना है अंडर रूट टी बाय म्यू, तो टेंशन डिवाइड बाय म्यू। अब म्यू निकालता हूं, म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, तो मास कितना है, मास है 10 ग्राम, 10 डिवाइड बाय 1000, और लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस जीरो ने इसको मार दिया तो ऊपर आ गया अंडर रूट 2000, अंडर रूट 2000 मीटर पर सेकेंड, ऐसा आ रहा है वेलोसिटी। इसको थोड़ा सॉल्व करके देखें तो इन दोनों जीरो से तो 100 है ना, ये 100 का रूट बाहर देखेंगे तो 10 बन जाएगा आपके पास, और यहाँ पे 5 और 4 तो यहाँ पे 20√5 आ जाएगा आपके पास, सही। तो 20√5 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी आपके पास। पर ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में? ये वेलोसिटी स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में है। हमने वहां पे जब एक्सप्रेशन लिखा था तो मैंने बताया था कि जो वेव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। तो स्ट्रिंग किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो जो वेलोसिटी स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में आएगी वही ए के रिस्पेक्ट में आएगी। आप सोचिए, देखिए इस बंदे को स्ट्रिंग रेस्ट पे दिखाई दे रहा है ना, तो स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में जैसी वेलोसिटी आएगी वैसी ए के रिस्पेक्ट में आएगी। तो आप क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट विल बी 20√5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। और अगर आप ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो ग्राउंड फ्रेम में कितना है, अगर आप पूछो वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू बी, अब आपने रिलेटिव मोशन वहां पे पढ़ा है, आप किसी भी तरीके से कीजिए। एक तरीका होता है आप उतरेंगे तो सेम वेलोसिटी जोड़ेंगे, पता नहीं आपने कैसे पढ़ा, मुझे पता नहीं है उस चीज का, पर मैं आपको आंसर लिख के दे रहा हूं, आपको खुद से करना है ये। मैं वापस रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ाऊंगा अब आपको ना, ये आपको खुद से पता होना चाहिए, आपसे उम्मीद की जा रही है। तो यहाँ पे 20√2 से जा रहा है, ये इधर 10 से जा रहा है, ये वेलोसिटी आएगी आपके पास 20√5 + 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इसको ए ऑब्जर्व करेगा तो ए को ये वेव 20√5 से जाती हुई दिखाई देगी, और अगर बी ऑब्जर्व करेगा तो 20√5 + 10 मीटर पर सेकेंड जाती हुई दिखाई देगी, क्लियर। तो इससे हमने यही कंसेप्ट सीखा कि जो हमारे पास जो वेव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो वेव वेलोसिटी देता है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग। अगर किसी और फ्रेम में निकालना है तो फिर आपको रिलेटिव मोशन लगा के उसे प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है। छाप लीजिए बच्चों, इससे पहले जो हमने किया था वो हमने ये किया कि अगर रस्सी मासलेस होगी तो उसमें वेव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, और हमें ये भी दिखाई दिया कि मासलेस रस्सी के अंदर जो वेव वेलोसिटी रहता है वो यूनिफॉर्म रहती है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम रहती है, वो बदलती नहीं है। अभी हम सवाल थोड़ा बदल दे रहे हैं, अब की बार हमने क्या किया, जो आपको स्ट्रिंग दिया है उसका भी मास है और अच्छा खासा है। इससे पहले जो स्ट्रिंग थी वो एक्जैक्टली मासलेस नहीं थी, उसका मास कुछ था 5 ग्राम 2 ग्राम, वो बहुत कम था एज कम्पेयर टू अदर मास जिसको हैंग कर रहे थे, उसके से टेंशन में चेंज नहीं आ रहा था, पूरी रस्सी में टेंशन सेम था इससे पहले, और रस्सी मासलेस नहीं थी, थोड़ा मास उसका बहुत कम था तो टेंशन सेम था आपके पास। अब की बार ऐसा नहीं है, रस्सी का मास भी अच्छा खासा गिवन है आपको, और आपसे पूछा गया कि जैसे सवाल एक बार देख लीजिए, आपको बोला गया ये रस्सी है, इस पे मास एम हैंग कर रहा है, और इस मास का जो वैल्यू है दैट इज 5 kg, रस्सी का जो मास है दैट इज 2 kg, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन है आपको 2 मीटर। अब आपसे पूछा गया बताइए वेव वेलोसिटी कितनी है, तो ये सवाल कंप्लीट है, इज इट कंप्लीट? नहीं, ये कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि सर इसमें हर एक पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट डिफरेंट होगा? बिकॉज रस्सी का अच्छा खासा मास है, जो रस्सी का मास है वो अच्छा खासा है, तो टेंशन में डिफरेंस अच्छा खासा होगा। इससे पहले अगर आप देख रहे थे जो टेंशन यहाँ पे थी उतनी ही टेंशन अप्रोक्सीमेट यहाँ पे थी, पर अब की बार ऐसा नहीं है। आप देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे टेंशन कितना होगा इस वाले पॉइंट पे, तो आप बोलेंगे सर टी एट बॉटम जो आपके पास में होगा दैट विल बी एम जी के बराबर 50। अगर आपसे पूछूँ यहाँ पे टॉप पे टेंशन कितना होगा, टेंशन एट टॉप, तो उसमें दोनों मासेज आ जाएंगे 5 kg और 2 kg, ये आ जाएगा आपके पास में 70 न्यूटन। आई होप आप ये एनएलएम में जानते होंगे ये सब बात की कैसे टेंशन निकालते हैं रस्सी में, मास वाली रस्सी में। तो यार टेंशन हर एक पॉइंट पे देखिए अच्छा खासा डिफरेंस है। पहले क्या था, यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 50.01 हुआ करता था, तो मैं बोलते थे पूरी रस्सी में सेम ही है, टेंशन डिफरेंस नहीं है, पर अब की बार तो अच्छा खासा डिफरेंस है यार। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है 50 न्यूटन, टॉप मोस्ट पॉइंट पे है 70 न्यूटन, तो अच्छी खासी है। तो यार हम कैसे वेव वेलोसिटी निकाल सकते, हम निकाल नहीं सकते, हम पहले ये बताओ कौन से पॉइंट पे चाहिए। अभी ये सवाल कंप्लीट नहीं है, तो अगर सवाल कंप्लीट करना है तो हमें लिखना पड़ेगा फाइंड आउट वेव वेलोसिटी एट, सबसे पहले मैंने पूछ लिया एट टॉप मोस्ट पोजीशन, टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग। जब अगर आप टॉप मोस्ट पोजीशन पे कोई वेव होगी तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी आपके पास में। सेकंड मैंने पूछ लिया बॉटम मोस्ट पोजीशन,
अगर मान लीजिए कोई वेव आपके पास बॉटम वाले पॉइंट पे है तो वहां पे कितना वेलोसिटी होगा वो पूछ रहा है। थर्ड में अगर आप देखें एट मिड ऑफ स्ट्रिंग। फोर्थ और देख लेते हैं, एट 2 मीटर है ना, एट 1/2 मीटर फ्रॉम बॉटम। इन सारे पोजीशंस के ऊपर आपसे वेलोसिटी पूछ रही है, वेलोसिटी कितनी। तो सवाल मेरे साथ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है अगर आप ये निकाल सके कि इन सभी पॉइंट्स पर टेंशन की वैल्यू कितनी कितनी है, वो एनएलएम में आपने सीखा होगा। अगर हम वो निकाल सकते हैं तो मेरे लिए, मुझे सकते हैं सवाल हलवा ही है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप इजीली कर पाएंगे। एक बार ट्राई करके देखिए ना इसको, फिर अपने इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ ना, आप थोड़ा देख लीजिए एक बार। सबसे पहले मैं टॉप मोस्ट पोजीशन के ऊपर टेंशन निकालते हैं। टॉप मोस्ट पोजीशन रस्सी की यहाँ पे है ऐसे ना, ये टॉप मोस्ट पोजीशन है। यहाँ पे अगर आप एफबीडी बनाएंगे ऐसे रस्सी का, तो रस्सी पूरी पूरी रस्सी आ गई आपके पास, और इसके नीचे मास भी आ गया आपके पास। इसका मास कितना है 5 kg, रस्सी का मास कितना है आपके पास में 2 kg, और इसके ऊपर इतना टेंशन लग रहा है कुछ टी। क्लियर? अब आप देखिए यार, इसका एक्सेलरेशन अगर मैं देखूं, इस पे नीचे तरफ mg लग रहा है, वो mg कितना है 5 × 2 = 70 N. हम पहले वाला केस कर रहे हैं टॉप मोस्ट पोजिशन का, अगर आप देखें तो टेंशन आ गया 70 N। क्लियर? कहां पे? टॉप पोजिशन पे। ठीक है, अब वेलोसिटी में कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है अंडर रूट टी बाय म्यू। अच्छा, म्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मास पर यूनिट लेंथ देख लेते हैं, मास 2 kg, लेंथ 1 है, अब हो जाएगी ना बात। देखिए, दिस इज बिकम रूट 70, मास हुआ इसका 2 kg, लेंथ हुई 2 मीटर, तो नीचे 1 आ गया, 2/2 देखिए तो 1 आ गया ना ये आपके पास, तो 1 आ गया, तो वेलोसिटी आ गई दैट इज रूट 70 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से वेव ऊपर ट्रैवल करेगी और ये अच्छी खासी है। पर ये कौन सी पोजीशन पे? टॉप मोस्ट पोजीशन पे। अगर वेव टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाती है या फिर टॉप मोस्ट पोजीशन पे जब वेव है, तो उस वाले इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है दैट इज रूट 70। अगर हम बात करें सेकंड वाले की, क्या बोला गया? एट बॉटम मोस्ट पोजीशन। तो बॉटम मोस्ट पोजीशन कहां पे है? यहां पे बॉटम मोस्ट पोजीशन है, तो यहां पे जहां पे भी आपको टेंशन निकालना था वहां पे ऐसे काट दो, ऐसे स्ट्रिंग को काट दो, ऐसे स्ट्रिंग को काट दिया। अब नीचे वाले पार्ट का एफबीडी बना लो, बॉटम मोस्ट को काटा सिर्फ 5 kg बचेगा आपके पास। तो अगर मैंने यहां पे 5 kg का एफबीडी बनाऊं, ऊपर जो रहा टेंशन एट बॉटम, नीचे क्या लग रहा आपके पास 50 N 5g, और इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो अगेन वही इक्वेशन टीबी माइनस 5g इज इक्वल टू 0। तो टीबी कितना गया आपके पास? दैट इज 50 N। वेलोसिटी कितना आएगा? अंडर रूट टी बाय म्यू, टी बाय म्यू, और लिख दो क्या एक्सप्रेशन, टी बाय म्यू लिख दिया, टी की वैल्यू 50 है, म्यू की वैल्यू 1 है, रूट 50 m/s। अच्छा, अगर हम बात करें थर्ड वाले पॉइंट की, एट मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, मास्टर ने क्या बोला? जहां पे टेंशन निकालना है वहां स्ट्रिंग को काट लो, ऐसे काट दिया। अब आप इसका एफबीडी बनाइए, यहां पे थर्ड वाला केस कर देता हूं, तो यहां पे इसका एफबीडी बने तो ऐसा कुछ बनेगा, हाफ स्ट्रिंग बनाया और यहां पे ऐसे 5 kg का ये वेट बनाया, तो हाफ स्ट्रिंग कितना होगा आपके पास में? ये 1 kg के बराबर होगा। ऊपर की तरफ इसमें कुछ टेंशन टी लग रहा है, नीचे तरफ 6g लग रहा है आपके पास। अब इसका एक्सेलरेशन भी 0 है, तो आप क्या लिखेंगे? टी माइनस 6g इज इक्वल टू 0, टेंशन आ गया बच्चों 60 N। ये कहां पे है? मिड वाले पॉइंट पे है। ठीक है, और अगर टेंशन आपके पास मिड पॉइंट पे 60 आ गया, तो वेलोसिटी आप लिख पाएंगे दैट इज अंडर रूट टी बाय म्यू, तो ये कितना गया? 60/1, दैट इज रूट 60 m/s। इसका जवाब हो गया ना, ये हमने यहां पे किया, ये इसका आंसर लिख दिया इस वाले का। ठीक है, अब हमें ये वाला पार्ट करना है यार, हाफ वाले पे। तो अगर आपसे बाकी नहीं हुए थे तो एक बार आप स्क्रीन को पॉज करके ये और ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं इसको देख लेता हूं सवाल को। अभी कर दिया जाए यहां पे। ठीक है, अब देखिए, अगर आप मिड वाले का मतलब हाफ मीटर ना, तो हाफ मीटर अगर आप देखेंगे तो पहले एफबीडी बनाता हूं मैं इसका। तो यहां पे ऐसे कुछ हाफ मीटर की रस्सी है आपके पास, यहां पे 5 kg का मास है। अब सबसे पहले मैं देखो, इस हाफ मीटर की जो आपके पास में स्ट्रिंग है, यहां पे कहीं पे होगा हाफ मीटर, तो इसका मास कितना है? इसका एफबीडी बनाना है ना, तो इसका मास निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा? तो बोलूंगा 2 मीटर का मास कितना है? 2 kg।
वन मीटर का मास कितना है, 1 kg। तो अगर आप पूछो हाफ मीटर का मास कितना होगा, दैट विल बी 1/2 kg। तो हमें चमक गया इजीली, हमने बोला इसका जो मास दैट इज 1/2 kg। अब ऊपर की तरफ टेंशन दिखा दीजिए, टेंशन और नीचे की तरफ कितना लग गया, 5 + 1/2 दैट इज 5.5 g, 5.5 g। तो अगर आप ऐसे टेंशन निकालेंगे तो टेंशन आ गया आपके पास 55 N। क्लियर? और अगर टेंशन आ गया तो वेलोसिटी में कोई दिक्कत ही नहीं है, वेलोसिटी होगा रूट टी बाई म्यू और म्यू की वैल्यू 1 है तो रूट 55 m/s। समझ में आ रही है? तो जब रस्सी में मास होगा तो कोई बहुत बड़ी उलझन नहीं है, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी होगी हम उस वाले पॉइंट पर जाएंगे, वहां पे टेंशन निकाल देंगे और डिवाइड बाय म्यू कर देंगे, फिर उस पूरे का जो रूट है दैट विल गिव्स वेलोसिटी। क्लियर? तो बस हमें एनएलएम में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, हमें ये देखना आना चाहिए कि कोई मास वाली आपके पास में स्ट्रिंग है तो उसमें किसी पॉइंट पर टेंशन कैसे निकालते हैं। तो इन सब सवालों में बहुत अच्छे ढंग से एनएलएम का यूज किया जा सकता है। तो आपको ये बात पता है, फिजिक्स इंटरलिंक ही रहता है ना, कभी वहां का सवाल वहां पे आ गया, ऐसा हो सकता है हम उसके सवाल में उसका यूज कर लें, इट इज पॉसिबल। तो आपको ये सब चीजें थोड़ा सा देखनी चाहिए कि एनएलएम का कैसे यूज हुआ है, वो आपको आना भी चाहिए। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गई होगी बात, छाप लीजिए आप इसको। बच्चों ये सवाल आपके सामने, ये जेई फ्लेवर है, नीट फ्लेवर नहीं है, ये जेई का फ्लेवर है, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा हमने बढ़ाया है। तो आप ये ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा अगर आप ये सवाल कर पाएंगे ना, तो एक बार आप सवाल पढ़ लीजिए, थोड़ा सा फाइट कीजिए, आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेगा। आप सवाल कीजिए एक बार, अच्छे से ट्राई करना, थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, थोड़ा मैथमेटिक्स भी हो सकता है, पर इतना है कि आप कर पाएंगे ना, आपके लेवल के बाहर की चीज़ नहीं है। करिए एक बार आप, फिर इसको डिस्कस करते हैं। पढ़ पाए ना, स्ट्रिंग ऑफ मास m एंड लेंथ l इज हैंग्ड एज शोन इन द फिगर, फाइंड टाइम इन विच वेव रीचेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑफ द स्ट्रिंग। ये आपको निकालना है। ओके, मैं वैसे करता हूँ। अच्छा सवाल है, थोड़ा देखिएगा अच्छा। आपको समझा सिर्फ ये रस्सी है और कुछ नहीं है, रस्सी का मास m है, लेंथ l है, वो आपको गिवन है। तो मैंने बोला यहाँ से मान लीजिए अगर मैं x दूरी पे जाऊँ तो सर में टेंशन निकालना पड़ेगा, तो इस वाले पॉइंट पे टेंशन कितना आएगा, टेंशन तो इस वाले पार्ट पर टेंशन होगा, वो किसके बराबर होगा, कैसे निकालेंगे आप टेंशन, इस पार्ट का जो मास को मतलब इसका जो वेट है उसको जो बियर कर रहा होगा वो टेंशन होगा आपके पास। अभी किसके बराबर इसका मास देखता हूं मैं, ये एक्स लेंथ है ना आपके पास, इसका मास कितना होगा, तो मैं बोलूंगा एल लेंथ का मास कितना है, एम, वन यूनिट लेंथ का मास कितना है, एम बाई एल। आपको कितनी लेंथ का चाहिए, एक्स लेंथ का, एक्स का कितना होगा, एम बाई एल मल्टीप्लाई एक्स, तो जिसका मास आएगा दैट इज एम बाई एल मल्टीप्लाई एक्स। क्लियर? और नीचे की तरफ आपके पास में इसका वेट लग रहा होगा दैट इज एम बाई एल एफ जी, ये आपके पास इसका वेट होगा। सही? तो यहाँ पे जो टेंशन आपके पास में आ रहा होगा, ये जो टेंशन होगा, इस टेंशन की वैल्यू कितनी है, ये टेंशन है आपके पास m by l x g, ये टेंशन आ गया। सही? अब देखिए हमें ये पता लग गया कि इस रस्सी के बॉटम से x डिस्टेंस के ऊपर, इस रस्सी के बॉटम से x डिस्टेंस के ऊपर जो टेंशन है आपके पास दैट इज m by l x g। तो अगर मैं पूछूं वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी होगा रूट टी बाई म्यू। तो आपने लिखा यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दी, t की वैल्यू कितनी है आपके पास दैट इज m by l x g, और म्यू तो होता ही m by l है, तो इस m by l ने इस m by l को मार दिया तो रूट x g आ गया। ये वेलोसिटी है। तो पर ये वेलोसिटी है कहाँ पे, पूरी स्ट्रिंग में है क्या, नहीं, हर एक पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये वेलोसिटी आपके पास में x का फंक्शन है, देखिए वेलोसिटी इज रूट x, मतलब वेलोसिटी x पे डिपेंड कर रही है। अगर आपके पास में यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, थोड़ा ऊपर जाएंगे जब x की वैल्यू l बाई 2 होगी तो l बाई 2 g है, जब x की वैल्यू l होगी तो l g है, मतलब ये वेलोसिटी पोजीशन के साथ में डिपेंड कर रही है। हमसे वेलोसिटी नहीं पूछा, हमसे पूछा टाइम कितना लगेगा, किस चीज के अंदर, इस कोई भी एक डिस्टर्बेंस को अगर आप यहाँ पे प्रोपगेट करते हैं तो उस डिस्टर्बेंस को बॉटम से टॉप पे जाने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने बोला ये वाली वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी का तो टाइम मिल जाएगा। तो मैंने बोला यार टाइम तो होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी, तो मैंने बोला डिस्टेंस है x l, ये वेलोसिटी है ये टाइम आ गया। पर ये गलत है। कैसे गलत है?
आपने डिस्टेंस दे दी एल, डिस्टेंस दे दी एल, क्या पूरे एल में वेलोसिटी ये वैल्यू थी क्या? ये एक्स तो बदलता जा रहा है ना आपके पास में, आपने लिख दिया रूट एक्स बाई जी, क्या एक्स कॉन्स्टेंट है क्या? नहीं, एक्स जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे एक्स बदलेगा, तो एक्स बदलेगा तो आप वेलोसिटी बाय मतलब डिस्टेंस बाय वेलोसिटी तभी लिख सकते हैं ना टाइम को, जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो, तो याद नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं करना आपको। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार ये वाली वेलोसिटी कहां पे है, तो उसने बोला कि ये वाली वेलोसिटी यहां पे है, इस वाले जब आप x दूरी पे हैं तब ये वेलोसिटी है। तो मैंने बोला यार अगर मैं इस वेलोसिटी से कुछ dx लेंथ चलाऊं, मान लीजिए वेव सिर्फ dx चला, वेव सिर्फ कितनी लेंथ चली, dx लेंथ चली, तो उस छोटी सी dx लेंथ के लिए तो ये वेलोसिटी सेम मानी जा सकती है, बिकॉज आप थोड़े देखिए अगर थोड़ा सा x बढ़ेगा तो ये वेलोसिटी में कुछ खास चेंज नहीं आएगा, समझ में आ रही है बात? आपको पता है वेलोसिटी बदल रही है, जैसे मान लीजिए मेरी इस वाली पोजीशन पे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, थोड़े से आगे जाने बाद हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाती है 7 हो जाएगी। तो मान लीजिए मैं यहां पे हूं और मेरी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो मैं थोड़ी डिस्टेंस चला यहां से dx डिस्टेंस चला, तो उस टाइम इंटरवल तक तो सेम मानी जा सकती है ना, थोड़ा सा वेरिएशन है उसको आप सेम मान सकते हैं। तो मैंने लिखा थोड़ा सा टाइम वो कितना होगा dx डिवाइड बाय ये वेलोसिटी, ये dt क्या है आपका, dt छोटू टाइम है, dt क्या है छोटा सा टाइम है किसको, dx लेंथ को कवर करने में, तो ये क्या है टाइम रिक्वायर टू कवर डिस्टेंस dx, डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस dx, स्मॉल डिस्टेंस dx को कवर करने के जितना टाइम लग रहा होगा dt। तो अब आपके पास अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर मुझे dt पता लग गया dt इज इक्वल टू dx बाय रूट एक्स जी, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपके पास में आ रहा है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे टाइम की वैल्यू देखिए, कुछ इनिशियल जीरो टाइम पे था, जब वेव यहां से चली और ऊपर पहुंचे तो टाइम मान लीजिए कुछ टी लग गया, वो तो हमें निकालना है। अच्छा इनिशियल जब यहां से चला था तो एक्स की वैल्यू कितनी थी, जीरो थी, और जब ऊपर तक पहुंच गए तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एल होगी। अब इसका इंटीग्रेशन डी टी का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा। अच्छा इसकी इंटीग्रेशन करता हूं, वन बाय रूट जी तो बाहर आ गया, वन बाय रूट जी तो कॉन्स्टेंट था। अच्छा अब आप देखिए एक्स टू दी पावर माइनस वन बाय टू है, इसका करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, दिस इज रूट एक्स, समझ में आ रहा है, एक्स टू दी पावर माइनस वन बाय टू में अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट विल बिकम एक्स रूट एक्स, और डिवाइड बाय अगर आप करेंगे तो ये टू यहां पर चला जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना आता है ना आपको, अगर आपसे बोलूं एक्स टू दी पावर माइनस वन बाय टू का इंटीग्रेशन कीजिए तो आप क्या बोलेंगे, पहले इसमें x टू द पावर माइनस वन बाई टू में वन जोड़ दो, कितना बन जाएगा x टू द पावर वन बाई टू, फिर डिवाइड कर दो वन बाई टू से, टू ऊपर चला जाएगा, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया, लिमिट l तक है तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो टाइम जो आपके पास में आएगा टू अंडर रूट l बाई जी, इतना टाइम लगेगा इस डिस्टर्बेंस को बॉटम से टॉप तक जाने में, तो ये आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप सबसे पहले ये देखा कि किसी x दूरी पे वेलोसिटी कितना है, वो हमने निकाल लिया, अब वो वेलोसिटी x का फंक्शन है, तो उस वेलोसिटी, वो वेलोसिटी अगर आप dx विड्थ चलाएं, थोड़े dx लेंथ चलाएं, तो वो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो मैंने लिखा कि जो dt टाइम है ये तो गलत है ना, ये सही नहीं है, दिस इज रॉन्ग। तो हमने ये किया भाई dt टाइम में कितना चला dx बाय दिस एक्सप्रेशन, भाई dx लेंथ चलाया इस स्पीड से dt टाइम लगा, फिर आपने इंटीग्रेट कर दिया तो आपकी बात बन गई, ठीक है, छाप लीजिए।